अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 71। और आज के इस लेसन में हम स्मूथ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्मूथ ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट में मोर स्मूथ किस क्या करते हैं आप, लेस स्मूथ क्या करते हैं, मैश ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है। तो आज के इस लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूंगा। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने स्मूथ कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट एक होता है, ये हमारे पास स्मूथ कमांड होती है और हमेशा जो सर्कल होता है वो स्मूथ ही होता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें आपने अगर स्मूथ करना है किसी भी चीज़ को तो आप स्मूथ कर सकते हैं। और स्टूडेंट स्मूथ और इसमें जो मैश है, अलग से मैश यहाँ पे आपको दिया होगा मैश रिफाइंड, तो मैश जो है तो ये अलग से एक मॉडलिंग होती है, इसको कहते हैं हम मैश मॉडलिंग। ये देखिए ये मैश है और इस मैश मॉडलिंग में ये सारे काम होते हैं। और उसके बाद सरफेस है, सरफेस की अलग मॉडलिंग है, सॉलिड अलग मॉडलिंग है, तो इन सब में अलग अलग काम होते हैं। तो मैं होम में स्मूथ के ऊपर डिस्कस करता हूँ, स्मूथ होता है क्या। तो स्मूथ एक फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ या फिर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सेट करता हूँ सबसे पहले इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच। ओके, तो प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था लॉफ्ट कमांड के ऊपर काम किया था, लॉफ्ट के ऊपर भी आप स्मूथ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैं पहले लॉफ्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को मैं स्मूथ करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कि उसके ऊपर स्मूथ का ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा कि नहीं। और सर्कल, और अब मैं यहां पे इसको मूव करता हूं। लॉफ्ट कमांड, अब देखते हैं इस पे स्मूथ का ऑप्शन अप्लाई होता है। तो स्मूथ ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, तो देखें इस ऑब्जेक्ट को इसने क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया, देख सकते हैं आप। और भी स्मूथ करना है तो आप मोर स्मूथ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करें अपने ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करें, देखें और ज्यादा स्मूथ हो गया। और भी ज्यादा स्मूथ करना है अपने ऑब्जेक्ट को तो फिर और भी ज्यादा स्मूथ करें, देखें ये हमारे पास कितना हो गया, स्मूथ हो गया बिल्कुल। और भी ज़्यादा स्मूथ करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर दें। स्मूथ लेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप लेस स्मूथ करें, यहाँ पे सॉरी स्मूथ मोर, मोर था, मोर स्मूथ करना है मोर कर सकते हैं, और भी स्मूथ करना है तो और भी कर सकते हैं। और स्मूथ लेस करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें स्मूथ लेस, फिर यहाँ पर जाएँ स्मूथ लेस पे, फिर स्मूथ लेस पे, तो देखें आप बस ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया स्मूथ। फिर स्मूथ लेस पे करें क्योंकि ये राउंड शेप में था, आपको अगर शायद पता हो तो। अब मैं स्मूथ करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ ये शेप इसी कैसी थी, राउंड शेप में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था। कंट्रोल जेड करके ऐसी शेप थी इसकी, तो हमने जब स्मूथ किया तो उसकी शेप कैसी होगी आपने देखा। स्मूथ लेस करता हूँ मैं इसको, देखिएगा लेस हो गया स्मूथ। और लेस करते हैं या फिर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप स्मूथ लेस पे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए स्मूथ होता जाएगा, देख सकते हैं। तो ये था कि स्मूथ लेस या स्मूथ का ऑप्शन। अब यही काम आपने और भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर, ओके। अब इसको स्मूथ करना है तो आप यहां पे क्लिक करें स्मूथ मोर, स्मूथ मोर,
स्मूथ क्यों नहीं हो रहा? ओके स्मूथ हो गया। और भी स्मूथ करना है तो आप स्मूथ करें, और भी ज़्यादा स्मूथ करना है तो आप स्मूथ करें, और भी करना है स्मूथ तो आप स्मूथ करें। तो देखें ये एक रेक्टेंगल था, तो उससे हमने कौन सी शेप बना दी आप देख सकते हैं, ड्रॉ कर दी। ओके बिल्कुल स्मूथ हो गया ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं रेक्टेंगल से कितना स्मूथ कर लिया। अब उसके बाद है नीचे हमारे पास है जी मैश, तो मैश पे क्लिक करें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो एरिया ये मैश क्या है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं ये मैश एरिया तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो अब देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट में कितना ज़्यादा मैश एरिया बन गया। अब इस मैश एरिया से भी आप मॉडलिंग कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे आप मॉडलिंग, कि आप कंट्रोल को प्रेस करें और इस मैश को सिलेक्ट करें, कंट्रोल को प्रेस करें, सिलेक्ट करें इसको, कंट्रोल कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी मैश में आप जाएं, तो मैश में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन है जी एक्सट्रूड फेसेस, क्लिक करें इस पर। और फेसेस को आपने कितना एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे 0.8 है, तो मैं चाहता हूँ ये 3 फिट के फासले तक के एक्सट्रूड हो जाए फेसेस। दोबारा मैं करता हूँ, ओके एक्सट्रूड फेसेस, देखें जरा यहाँ पे देखें तो आपके पास एक्सट्रूड हो गए फेसेस देख सकते हैं। तो ये इसकी मॉडलिंग आ गई। अब इसी तरह यही काम आप यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इस एरिया को मैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं होम में क्लिक करता हूँ और मैच सरफेस पे क्लिक करता हूँ, सीरी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मैश हो गया। अब मैश के लिए सॉरी, या फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ उसी के ऊपर मैश करता हूँ, आर सी रेक्टेंगल, और इसको ई एक्स टी एंटर, मैश मैश बॉक्स भी आप यहां से ले सकते हैं, तो मैं एक मैश बॉक्स ही लेता हूं क्योंकि इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मैच बॉक्स लिखता हूँ, मैंने मैच 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 बॉक्स लिया और यहाँ पे अब मैं इस पे काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल को प्रेस करके मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, 3D ऑर्बिट से इसको मूव करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ 3D ऑर्बिट से, और कंट्रोल को प्रेस करके इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। अभी जो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं इनको मैं अब यहाँ पे करता हूँ जी, एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करें आप कितना एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, इतना एक्सट्रूड करता हूँ। और अब आप देखें ज़रा, तो आपको ऑब्जेक्ट देखें कैसा बन गया जी, एक्सट्रूड हो गया। तो ये था जी मैश का फंक्शन, और मैश में आप अपने फेसेस को कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये वाली साइड एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस करता हूँ, देखिएगा
सिर्फ ये वाली फेज है, अगर दूसरी साइड से भी करना चाहें तो दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं कंट्रोल को प्रेस करके। अब इसको भी एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, जितना आप एक्सट्रूड करना है आप उतना एक्सट्रूड कर लें। तो देख सकते हैं ये था एक्सट्रूड फेसेस और एक्सट्रूड का काम। और यही काम आप जो है तो एक्सट्रूड ना भी करें ना, अगर आप यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक ना करें, काम ना करें, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करें और यहाँ से इस कॉर्नर से इसको उठाएं। देखें ये उसी कॉर्नर से क्या और एक्सट्रूड हो रहे हैं, देखें ज़रा। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया को अपने एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इन दोनों को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं तो इस कॉर्नर से या फिर इसके सेंटर में से आपने सिलेक्ट करें इसको और आगे ले आए। और अब जाके यहाँ पे ऑर्बिट से जाके देखें, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया। तो ये था जी एक्सट्रूड फेसेस का फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और होम में आज हमने मैश के ऊपर डिस्कस किया, स्मूथ ऑब्जेक्ट और मैश क्या होता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग पे काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।